नमस्कार दोस्तों, आप जानते हैं आज 28 नवंबर है। उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री पद की शपथ लिए हुए आज 1 साल पूरा हो गया है। एनसीपी और कांग्रेस के सहयोग से शिवसेना ने भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन तोड़ करके ये मिलीजुली सरकार बनाई थी। उद्धव ठाकरे ने इस 1 साल में बतौर मुख्यमंत्री और बतौर शिवसेना प्रमुख क्या खोया है, क्या पाया है, और दूसरे जो इस समय अहम मुद्दे हैं, मुंबई और महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर के और देश की राजनीति को लेकर के भी, और जो टकराव इस समय दिखाई दे रहा है उद्धव ठाकरे की सरकार और केंद्र सरकार के बीच में, इस सब पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मुंबई से जुड़े हुए हैं जाने माने पत्रकार, लेखक, मार्मिक के पूर्व संपादक भाव तोरसेकर। भाव, आपका बहुत स्वागत है। भाव, इस 1 साल में उद्धव ठाकरे ने, शिवसेना ने क्या खोया है और क्या पाया है? मुझे ऐसा लगता है कि पाया तो कुछ नहीं है, खोया बहुत कुछ है। क्योंकि जी एक बात है, देखिए, आपका जो ब्रांड होता है वो ब्रांड अगर खत्म हो जाता है तो आपके पास बचा क्या? आपको एक पुरानी बात बता दूं, पुरानी वैसी नहीं है, 10-20 साल पहले पहले की बात है। आज आपने मुझे एक प्रोग्राम के लिए ईमेल भेजा, जी तो ईमेल बहुत बहुत खर्चा करने वाली बात होती थी, लेकिन पहले जिसने फ्री ईमेल शुरू कर दी, सुबीर भाटिया करके इंडियन थे, अमेरिका में थे, टेक्नोलॉजी के बड़े कोई थे, तो उसने hotmail.com शुरू किया जो फ्री जी था। हाँ जी, आप सिर्फ रजिस्टर करें और आप इस्तेमाल करें तो आप फ्री इसका इस्तेमाल करते थे। वहां से हम कहां तक पहुंचे देखिए। तो उस समय मुझे याद है, शायद 99 या 2000 में माइक्रोसॉफ्ट ने उनकी जो कंपनी थी, कंपनी का मतलब आइडिया थी सिर्फ, लेकिन वो 400 मिलियन 40 करोड़ डॉलर में खरीदी। आज तो hotmail.com बची ही नहीं, बंद ही हो गई है, लेकिन उस जी हाँ समय उनको 400 40 करोड़ मिले थे डॉलर्स। तो रुपए कितने हो गए गिनो आप। बात यह है कि ब्रांड खत्म हो गया। उस समय सुबीर भाटिया को 40 करोड़ डॉलर मिल गए, आज है कहाँ वो? उनका तो नाम तो जी कोई जी पूछता नहीं है, लेता नहीं। तो बात यह कि 40 करोड़ मिले, इसकी जो खुशी है, तो वो मिल गए हम मानते हैं ना, लेकिन आज कहाँ है? 20 साल बाद टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ती 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 गई। देखिए, उसी समय गूगल शुरू हुआ था, गूगल कहां पहुंच गया? गूगल ने बिल्कुल माइक्रोसॉफ्ट और बड़ी 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 कंपनियां उनको पीछे छोड़ दिया। फेसबुक तो उसके बाद समझो 10 साल बाद आ गया, वो कहां चला गया? तो आपको झट झट से पैसे मिल गए, मानता हूं ना मैं। क्या मिला और क्या गवाया आप पूछ रहे हैं, तो मिला क्या देखिए, बचा क्या देखिए। तो आज अगर हॉटमेल नहीं बचा है तो उस ढंग से आप सोचो तो आपको पता चलेगा कि शिवसेना को मिला क्या, शिवसेना ने गवाया क्या, ब्रांड गवाया। शिवसेना ये जी ब्रांड है, चार चार अक्षर है, लेकिन उसको अपने खून पसीने से, अपने सालों की मेहनत से बाला साहब ने जो सिंचाया था और बनाया था, वो ब्रांड बचा है क्या? मुझे बोली सत्ता है, मैं मानता हूं, लेकिन ये सत्ता हमारे मराठी में, उसको आपके हिंदी में क्या बोलते हैं मालूम नहीं, एक वनस्पति होती है, उसको आलू बोलते हैं। आलू यानी बटाटा नहीं हो आप, जो आलू आलू ऐसा बोलते हैं, वो हर एक पत्ता जमीन से ही निकल के आता है, उसके कोई खंभा नहीं होता, तो वो ऐसा ऐसा होता है, तो उस पर पानी चिपकता नहीं, बारिश का पानी जी उस पर गिरे तो मोती जैसा लगता है, लेकिन हिल जाए तो गिर गया। तो जी मराठी में उसको बोलते हैं कि अड़वावरच पाणी। जो सत्ता होती है वो उस ढंग से होती है, जरा सा हिल गया तो पानी निकल गया, वो मोती दिखता है लेकिन होता नहीं है, सत्ता वैसी होती है। शिवसेना ने सत्ता, चीफ मिनिस्टर बन गए सब मार, शिवसेना कहाँ बची है? अगर नहीं बची है तो मैं बोलता हूं कि आपने सब गवाया। बिल्कुल
शिवसेना नाम जो है जो मराठी और मराठी अस्मिता से निकला है, जिस जो अस्मिता को हम शिवाजी महाराज मानते हैं, तो उनका एक वर्ड बहुत ऐतिहासिक माना जाता है। जब उन्होंने एक पहला किला जीता था तो उसमें तानाजी नाम के जो पिक्चर आ गई तो कोंडाणा किला जो था वो काबिज किया था, उसमें उनका बहुत नजदीकी सहकारी तानाजी मारा गया था। तो जब वो किले पर महाराज पहुंचे तो महाराज का एक बड़ा अच्छा एक अब बोलते वाह ये सेंटेंस है, वो बोले गढ़ आला पर सिंह गेला, बोले किला तो आ गया लेकिन मेरा सिंह तो चला गया। गढ़ की कीमत उतनी नहीं जो होती जितनी एक शेर की सिंह की होती है। तो ये अगर आप समझ पाते तो शिवसेना में क्या मिला और शिवसेना ने क्या गवाया आप समझ सकते। और भाऊ इस एक साल में शिवसेना क्या पा सकती थी और जो गवाया है ये क्यों गवाया? देखिए शिवसेना ने जो मिला था उनको वो 2014 में मिला था, लेकिन ये समझ पाए नहीं कि हमको क्या मिला है। देखिए 66 में शिवसेना शुरू हो गई, उसके बाद वो महाराष्ट्र में पहुंची नहीं थी, मुंबई थाना पुणे छोड़ा बाकी नहीं। 85 में शिवसेना ने मुंबई महापालिका पर कब्जा किया बीएमसी पर, उसके बाद 4-5 साल में शिवसेना महाराष्ट्र में फैली। तो उसका कारण शरद पवार थे, शरद पवार अपनी अलग पार्टी कांग्रेस में मर्ज करके निकल गए, तो जो पॉलिटिकल वैक्यूम बना था उसमें कोई लीडर नहीं था, कोई पार्टी नहीं थी, तो लोगों को और महाराष्ट्र का कोई लीडर चाहिए था बिना कांग्रेस वाला, बिगर कांग्रेस वाला, और वो तो शरद पवार बने थे, लेकिन उनको इतनी जल्दी हुई थी चीफ मिनिस्टर बनने की कि वो वापस कांग्रेस में चले गए, वो एमएलए लेके चले गए, लेकिन उन्होंने जो एंटी कांग्रेस वोट जमा किए थे वो तो वोट लेकर वो कांग्रेस में जा ही नहीं सकते थे क्योंकि वोट तो एंटी कांग्रेस थे। तो वो जो वोट थे, वो जो लड़के थे जो आज 45-40 साल के हो गए, तो उनको कोई लीडर चाहिए था, उनको कोई पार्टी चाहिए थी, वो वैक्यूम में शिवसेना चली गई और शिवसेना ऑल महाराष्ट्र पार्टी बनी। उसका पहले उसकी महत्ता थी वो बीजेपी यानी मुंडे महाजन समझ गए, प्रमोद महाजन और गोपीनाथ मुंडे, उन्होंने झट से एक साल में शिवसेना के साथ अलायंस कर लिया और महाराष्ट्र में शिवसेना पहुंची, लेकिन शिवसेना को ही पता नहीं था कि हम कहां कितने मजबूत है, क्योंकि अलायंस बन गई तो भाई ये कॉन्स्टिट्यूएंसी बीजेपी की, ये शिवसेना की, ऐसा हो गया तो 2-5 इधर इधर होते रहे, लेकिन शिवसेना को कभी पता ही नहीं चला कि भाई हमारी ताकत है कहां। वो देखिए 89 से लेकर 2014 तक 15-16 साल तक इनको पता नहीं चला कि हमारी जगह है कहां। असल में वो हम बोल सकते हैं कि 2014 में बीजेपी ने अगर अलायंस तोड़ी तो एक तरह से शिवसेना को फायदा था, को उनको सख्ती से सब जगह लड़नी पड़ी और उनको पहली दफा पता चल गया कि किस कॉन्स्टिट्यूएंसी में अपनी कितनी ताकत है। मैंने उसका संकेत दिया है, आपको बोल दूं कि 2014 में शिवसेना के कुछ 63 एमएलए चुनकर आए, उसमें से 36 जगह ऐसी थी 36 कि ये 2-3-4 हजार से हारे थे, यानी उनको टाइम नहीं मिला था। अगर अलायंस एक महीने पहले टूटती और शिवसेना पूरी ताकत से पूरी मेहनत से उतरती तो कम से कम और 30-35 जगह मिलती, उसका मतलब शिवसेना कम से कम 90-100 एमएलए चुनकर ला सकती थी। तो बीजेपी ने अपने मतलब के लिए किया, लेकिन उसमें शिवसेना का बड़ा मतलब पहली बार सिद्ध हो गया कि उनको असल में ताकत समझी कि हमारी किस कॉन्स्टिट्यूएंसी में क्या ताकत है। अभी देखो चुनाव की जो मामला है वो कैसे चलता है, आप जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में 1, 2 या 3 नंबर पर रहते हैं, अगर उसमें आप मेहनत करो तो सब जगह लड़ने जैसी बन जाती है, और जब लड़ने जैसी बन जाती है तो उसमें से
आप 50-70% तक आप जीत सकते हैं, ये बात आप समझ लीजिए। अब एक बात और मैं आपको बता दूं कि उस समय 2014 में 63 MLA इनके आ गए, लेकिन 36 जगह ऐसी थी कि जहां 2-5 हजार से हारे थे। इसका मतलब वो अच्छी जगह थी, अगर 5 साल मेहनत करते तो शिवसेना अकेले दम पर 90 या 100 तक जाती थी, लेकिन 1, 2, 3 नंबर की सीटें आप पकड़े तो वो 198 थी। अगर 5 साल शिवसेना ने बीजेपी को बाहर से सपोर्ट करके देवेंद्र की सरकार चला ली होती तो दुनिया के सामने इनकी इमेज ऐसी बन जाती कि देखिए इनको सत्ता का मोह है नहीं। और वो देखिए, आप सपोर्ट करते हैं तो मिनिस्टर बनो या ना बनो, वो गवर्नमेंट आपके मेहरबानी पर है तो उसके आपको फायदे मिलते। उस फायदे पर अगर इस कम से कम 190 जगह पर शिवसेना अपनी ताकत और संगठन मजबूत करती तो 2019 में इनको बीजेपी के साथ जाने की जरूरत नहीं थी, तो आप समझेंगे कि शिवसेना ने क्या गवाया। और भाव, भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन तोड़ के एनसीपी और कांग्रेस के साथ सरकार बनाना, मुख्यमंत्री पद हासिल करना, ये सही फैसला था या गलत फैसला था? मैंने पहले दिन से बोला ये गलत फैसला था, मैंने पहले दिन से बोला है। क्यों बोला है? क्योंकि देखिए, आपका एक ब्रांड वैल्यू होता है, आप किसके साथ उठते बैठते, किसके साथ व्यवहार करते, इस पर कुछ बनता है। आप उल्टे उठकर जिनके खिलाफ आपकी पार्टी बनी है, कांग्रेस के खिलाफ ही शिवसेना खड़ी हो गई। अदरवाइज देखिए, पवार की जो पार्टी है वो कांग्रेस ही है, कांग्रेस के दो धड़े हैं महाराष्ट्र में। तो अगर वो अभी देखिए, शिवसेना जैसी है वैसी तेलुगु देशम थी ना, आंध्रा में अपोजिशन में कोई पार्टी थी ही नहीं, और जो थी जनता पार्टी हो, सीपीआई सीपीएम हो, वो तो पूरी स्टेट में बनती नहीं थी। तो उसका जवाब तेलुगु अस्मिता, तेलुगु देशम पार्टी बनकर आई। अगर वही कांग्रेस के साथ चली गई जो तेलंगाना में गई थी, 6 साल मैंने पहले चुनाव हुआ था 2018 में, उसकी कीमत उनको चुकानी पड़ी ना वहां, अर्थात आंध्र से ही दो राज निकले, तेलंगाना निकला है। तो तेलंगाना के बाद जब उसमें हार गई पूरी तेलुगु देशम, तो आंध्र में उन्होंने कांग्रेस के साथ कुछ किया नहीं, लेकिन फिर भी वहां कांग्रेस बची ही नहीं थी, वह तो वाईएसआर कांग्रेस बन गई थी। जी हाँ जी। तो अभी देखिए, वही हालत आज हम चंद्रशेखर राव की देख रहे हैं, एक म्युनिसिपैलिटी के लिए चीफ मिनिस्टर लड़ रहा है हैदराबाद का, बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। ठीक है, अभी वही बात आप बंगाल में देखिए, वही बात आप यूपी में देखिए। अगर अखिलेश उस समय कांग्रेस के साथ नहीं जाते तो उनकी बुरी हालत नहीं होती। तो शिवसेना ने, मैं बोल रहा हूं इसका मतलब ये है कि शिवसेना ने क्या, देखिए आज आप कुछ मिलता है आपको, मान लेता हूं, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी के लिए लॉन्ग टर्म प्रोग्राम होना चाहिए। देखिए एक बात होता है कि हम देखते हैं ना टीवी के एड देखते हैं, अभी उसमें एड में क्या होता है कि दादी ने बनाया हुआ आचार जैसी टेस्ट है इसकी, बनाया तो कंपनी में है, लेकिन वो एड क्या करते हैं, ये जो है दादी ने बनाया आचार, बराबर है ना? क्यों भाई? कि दादी का बनाया जो आचार है वो 1 साल नहीं 3 साल भी चलता था, खराब नहीं होता था। तो कंपनियों को बताना पड़ता है कि ये इतना अच्छा है, ये टिकाऊ है। तो पॉलिटिक्स में टिकाऊ होना जरूरी होता है। आपने, मैं मानता हूं, देखो 77 में जनता पार्टी बनी, आज उसका कोई नाम नहीं है जी। तो 66 में जो शिवसेना बनी है उसकी ब्रांड वैल्यू, उसकी अहमियत आज बची है क्या? अगर नहीं बची ठीक है, जितने दिन चले आप चीफ मिनिस्टर रह सकते, लेकिन उसी जगह पर फिर से आना उनके लिए मुमकिन है क्या, इस पर हमको इतिहास देखना पड़ेगा।
और भाऊ आगे पढ़ने से पहले, आगे बढ़ने से पहले मैं एक टिप्पणी इस पर भी चाहूंगा आपकी कि बतौर चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे का परफॉर्मेंस एक साल में कैसा रहा? मैं नहीं मानता कि परफॉर्मेंस की बात आती है का। देखिए मुझे, मेरा ख्याल है कोई सलमान खान का या कोई पिक्चर में एक डायलॉग है, तुम मुझ पर इतनी मेहरबानी करो कि मुझ पर मेहरबानी मत करो। अगर ये कुछ भी नहीं करते तो भी इससे अच्छा परफॉर्मेंस होता, क्योंकि देखिए गवर्नमेंट तो चलती रहती है। हम इस पार्टी को हरा कर दूसरी पार्टी लाते, कोई अल्टरनेटिव ढूंढते तो इससे कहीं आगे निकल जाने के लिए करते कि भाई इससे कोई अच्छा होगा तो उसको चांस देना चाहते। इन्होंने एक साल में यही परफॉर्मेंस किया कि मुझसे अच्छा देवेंद्र फडणवीस कैसा था जी। यही तो एक्सपेरिमेंट हो गया। लोग क्या बोलते हैं, इससे तो अच्छा वो था। और मैं ये बात मेरे ध्यान में कैसी आई, एक महाराष्ट्र के बहुत पुराने, अभी जिंदा नहीं हो, शंकर सिंह मोहिते पाटिल लगे, बड़े पूरे ऐसे गांव के देहाती थे, बड़े अच्छे नेता थे लेकिन बिल्कुल देहाती थे, उनको शहर अच्छा नहीं लगता था। मुंबई में आए तो एक दिन बीच में हो तो गांव में निकल जाते थे। तो उन्होंने एक बात बताई थी मुझे, जब इमरजेंसी लगी उस समय उनका जो शुगर फैक्ट्री थी वहां हम गए थे, तो उस समय महाराष्ट्र का चीफ मिनिस्टर बदला गया था, वसंतराव नाइक जो 11 साल थे उनको बदलकर शंकरराव चौहान आए थे, अशोक चौहान के पिताजी, तो बड़े कठोर थे। तो हमने पूछा कि वसंतराव नाइक और शंकरराव चौहान उसमें फर्क क्या है, तो बोले कि नाइक कितने अच्छे थे यह पता चल रहा है। तो ने वो सोचने का, ये देखो ये लोग जो अनुभवी होते हैं ना, वो आपको कोई किताबी व्याख्या नहीं दे, डेफिनेशन नहीं देंगे, वो अनुभव की देते। वो उन्होंने कैसे बताया, तो बोले एक गांव में सरपंच था, उसका इतनी गुंडागर्दी चलती थी कि डर के लोग रहते थे। तो उसने एक दिन फतवा निकाल दिया, अगर किसके घर में कोई मरता है तो मुझे 100 रुपए देने के पहले उसको दफनाना नहीं या जलाना नहीं। अभी लोग बोलते चले घर में हमारे मरेगा, इसको 100 रुपए दे दो, ये क्या बात हो गई। लेकिन कोई बोल नहीं पाता था, इतनी दहशत थी। तो आहिस्ते आहिस्ते एक दिन ऐसा आ गया तो उसको पता चल गया कि लोग तो बोलते थे साला क्या खराब आदमी है, गालियां देते थे छुप छुप के। तो उसने बेटे को बुलाया और बोला, अभी तो मैं ये बदल नहीं सकता लेकिन तुम कुछ अच्छा काम करो जिससे लोग मुझे अच्छा बोलेंगे, बाप को अच्छा बोलेंगे। तो बेटा बोला, चिंता मत करो, मैं अच्छा ही काम करूंगा, आपके लिए लोग अच्छा बोलेंगे। तो एक दिन वो बुढ़ा मर गया जी। और इसने वो जो अंत संस्कार थे वो हो गए, तो गांव की मीटिंग बोले, बोले आज से मैं तो सरपंच हूं पाटिल गांव का, तो मेरे बाप का जो फतवा है वो चालू रहेगा, कोई मरेगा तो 100 रुपए तो देना पड़ेगा जी जी, दफना या जलाने के पहले। तो लोग बोले अभी ये और क्या करेगा। वो बोलेगा डरो नहीं, मैं कोई पैसा नहीं मांग रहा हूं, हाँ लेकिन एक बात है, 100 रुपए देना और जो मुर्दा है उसकी नाक काट कर उसको दफनाओ या जलाओ। तो लोग बोलने लगे इसका बाप अच्छा था, वो कम से कम विडंबना तो नहीं होती थी, 100 रुपए निकल जाते थे, लेकिन विडंबना तो मरे हुए की विडंबना नहीं होती। इस ढंग से बाप को लोग अच्छा बोलने लगे, ये उन्होंने कैसे समझाया। देखो एक देहाती लीडर है, जैसे लालू वगैरह हम देखते ना वैसे थे, तुम लोग इस ढंग से वसंत और नाइक अच्छे, यानी कि अच्छे है ऐसा नहीं हो, लेकिन जो है उससे तो अच्छे थे जी जी। और तो भाव परफॉर्मेंस की बात आप कर रहे हैं, तो परफॉर्मेंस की बात पर मैं बोल रहा हूं कि इनका जी, एक साल का परफॉर्मेंस ऐसा है कि लोग बोलते कि भैया देवेंद्र फडणवीस का कारोबार तो अच्छा था, तो इसको मैं परफॉर्मेंस नहीं मानता। और भाव आमतौर पर तो किसी राज्य में जब मजबूरी में दो दलों को मिलकर के सरकार बनानी पड़ती है तो उसी को लेकर के अटकलें शुरू हो जाती हैं कि पता नहीं इसकी उम्र क्या होगी,
कब ऐसा मौका आएगा कि वो डिच कर जाएंगे और सरकार गिर जाएगी, इस सरकार को लेकर के दावे नहीं किए जा सकते हैं, इसके परफॉर्मेंस को लेकर के, इसकी साख को लेकर के या इसकी कारगुजारियों को लेकर के। यहाँ तो तीन दलों की सरकार है और तीन दल भी ऐसे हैं जिनकी आपस में विचारधारा मेल नहीं खाती, आपस में आइडियोलॉजी से कोई लेना देना नहीं है। डे वन से इस सरकार के बारे में भी यही सब टीका टिप्पणियां की जाती रही कि भाई सरकार लंबे समय तक नहीं चलेगी, अभी एक साल तो हो गया है और कितना लंबा चलने की उम्मीद है। नहीं, 5 साल भी चले उसमें क्या फर्क पड़ता है? मैं ऐसा नहीं मानता। देखिए, अर्णब गोस्वामी को गलत ढंग से अरेस्ट हुआ, जेल में जा पड़ा, लेकिन 4 साल तो 5 साल तो नहीं पड़ा ना। लेकिन निकला तो कैसे निकला, देखिए जी, हम देख रहे थे उस एक महीने में, हम जो देख रहे तो आपको लगता ये सब खत्म हो गया, लोग रोते थे ना, अर्णब के साथी, अर्णब के जो वेल विशेष है वो तो रोते थे। मुझे तो, आपको पता नहीं है, मुझे बड़े दो आईएएस अफसर ने रिटायर हुए हुए फोन किया था, पूछे क्या चल रहा है। मैंने बोला ये गेम चल रहा है, ये तो गेम चल रहा है। मैं नहीं मानता कि ऐसी सिचुएशन आएगी, अर्णब को मालूम नहीं था ये, मैं मानता नहीं। उसको भी मालूम था, सेंटर को भी मालूम था, लेकिन खत्म हो गया ना। हाँ, अभी देखिए, आप तो क्या बोलते हैं, 1 साल पूरा हुआ इसके बारे में पूछ रहे, 1 साल के बाद सबसे बड़ी ट्रॉफी कहां से मिली है? सुप्रीम कोर्ट से मिली है। उसके नीचे वाली छोटी ट्रॉफी है वो हाईकोर्ट से मिली है। क्या मिली है? परफॉर्मेंस होता है तो उसका ही कोई बख्शिश मिलता है ना, ट्रॉफी मिलती है ना, ट्रॉफी क्या मिली है देखिए। और उससे उससे बड़ा कोई अंपायर है नहीं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से। कंगना के बारे में आपको कोई तो वैल्यूअर अपॉइंट किया हाई कोर्ट ने, क्योंकि इन्होंने थोड़ा इसकी भरपाई देनी है, तो कितना नुकसान किया बीएमसी ने गलत और इलीगल ढंग से। इसको ट्रॉफी बोलेंगे आप? ये परफॉर्मेंस की ट्रॉफी है? बिल्कुल बिल्कुल। तो 1 साल नहीं, 5 साल निकल जाएंगे, लेकिन 5 साल के बाद आप कहां रहोगे ये सोचो। आज की बात तो अलग होती है, लेकिन आज के लिए जीना है तो है क्या? एक छोटी छोटे जीव होते हैं, वो तो एक 4 घंटे, 8 घंटे, 12 घंटे, 3 साल, 2 साल, 2 दिन की भी जिंदगी होती है, जेकर निकल जाते। आदमी की बात अलग होती है, आदमी 50, 60, 70 साल की सोचता है, वो अपने बारे में नहीं, अपने बेटे और पोते के बारे में, पोती बेटी के बारे में सोचता है। आपको लगता है ये गवर्नमेंट बनी और जिन्होंने बनाई उन्होंने इतनी दूर की सोची है? बताइए और तो भाव, कितने दिन चलेगी, कितनी साल चलेगी, वो बात अलग है, वो मैं नहीं मानता। वो पॉलिटिक्स में देखो, किसी भी पार्टी के लिए कम से कम 20-25 साल की जिंदगी कम से कम होती है। एक स्टेट होता है, एक देश होता है, उसकी तो जिंदगी जो है वो कम से कम 200-300 साल की होती है। सही कह रहे हैं। तो उसमें 1 साल में आपने क्या परफॉर्म किया, आप ही सोच लिए। भाव, मैं ये कह रहा था कि नरेंद्र मोदी को बदनाम करने के लिए क्या क्या नहीं किया गया, किस किस तरह के हमले नहीं किए गए, जिस मामले से उनका कोई लेना देना नहीं था वो आक्षेप लगाए गए उनके ऊपर। जब वो सिटिंग चीफ मिनिस्टर थे, सीबीआई ने जाकर के 9 घंटे तक लगातार उनसे पूछताछ की थी, एसआईटी ने की थी, जी एसआईटी ने, और सोनिया गांधी ने मौत का सौदागर कहा था, पता नहीं कितनी कितनी कैसी कैसी गालियां उनको दी गई हैं और किस किस स्तर के नेताओं ने दी हैं। इसके बावजूद मुझे याद नहीं आता कि नरेंद्र मोदी ने कभी किसी के खिलाफ उस तरीके से मुखर होकर के कोई बयान दिया हो, किसी भी तरह की कोई बदले की कार्रवाई की हो, या कार्रवाई करते हुए दिखाई दिए हों। मैं जब मोदी का उदाहरण देता हूं तो महाराष्ट्र पर आता हूं, और महाराष्ट्र में
जिस तरह के काम ये कर रहे हैं, जिस तरह के बयान ये दे रहे हैं, जिस तरह के रिएक्शन दे रहे हैं कि मैं हाथ धो करके पीछे पड़ जाऊंगा अगर मुझे मजबूर किया गया तो, क्या चीफ मिनिस्टर को इस तरह के बयान देने चाहिए, इस तरह के रिएक्शंस देने चाहिए? और जो इनके प्रवक्ता, जो इनकी मेयर कंगना रनौत को फैसला आने के बाद भी नट बता रही है, नाचने वाली बता रही है कि हिमाचल की है, नाचने वाली है, और जो हाई कोर्ट के फैसले पर, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रियाएं व्यक्त कर रहे हैं, उनको 2% का आदमी बता रही हैं, क्या इस तरह की लैंग्वेज सत्ता में रहते हुए किसी को शोभा देती है? नहीं, देखिए, मैं वो भाषा को गलत नहीं मानता, शिवसेना की भाषा ऐसी ही रही है, लेकिन एक बात ऐसी होती है कि एक भाषा कौन बोल रहा है, कौन बोल रहा है, जो भाषा जिसकी है। अगर एक आदमी देहाती है और वो देहात के टोन से बात करता है, शब्द इस्तेमाल करता है, तो मैं उसको गलत नहीं मानता। लेकिन जो आपकी भाषा है नहीं, अगर उस भाषा में आप बोलो तो वो गलत लगता है। देखिए, बाला साहब ऐसे बोलते थे, लेकिन बाला साहब एक्सेप्शन था, लोगों ने स्वीकारा था उसको, स्वीकारा था। मैं एक आपको बात बता दूं, खलप नाम के, रमाकांत खलप नाम के सेंट्रल मिनिस्टर थे, अपने गोवा के भी मिनिस्टर थे, तो आपको याद होगा उनके पूरे बाल सफेद थे, पूरे बाल सफेद थे। तो उन्होंने ही मुझे एक किस्सा बताया, उनको उन्होंने कि बाला साहब की गोवा में मीटिंग थी, तो बोले मैं बाजू के एक बिल्डिंग के टॉप पर जाके वो सुनने को बैठा था, तो बाला साहब बोलते बोलते मुझ पर ही आ गए, रमाकांत खलप, बोले ये कैसा आदमी है। तो मराठी में जो बालों को कलर किया जाता है तो उसको कलप बोलते हैं, जो रंग लगाया जाता है उसको कलप बोलते हैं। तो बाला साहब ने इन पर ऐसी टिप्पणी की, ये पहला आदमी देखा वो कलर लगा के बाल सफेद करता है। तो उनको गुस्सा नहीं है, वो याद करके मुझे, बहुत 2-3 साल बाद की बात थी, लेकिन उन्होंने क्या अजीब आदमी है, मेरे पर टिप्पणी की, मैं भी खुश हो गया, बोले। तो उनको उस भाषा से अपमान नहीं लगा, क्योंकि बाला साहब एक्सेप्शन थे, जब वो बोलते थे तो सुनने वाला भी मान लेता था, और ये बात बढ़िया होती है। इसलिए मैं बोलता हूं कि जो भाषा बोल रहे हो वो अपनी आपकी है कि नहीं सोचो। और दूसरी बात ये होती है कि जो बोल रहे हो, आज कंगना के बारे में बोले, आपने तो उनका नाम भी नहीं लिया। जी, आप अगर देखिए, आप जिनके जिन बोल रहे कि जो रिएक्शन दे रहे, उन्होंने तो कंगना का नाम भी नहीं लिया है। भाई क्यों नहीं लिया, क्यों नहीं ले सकते आप उसका नाम? तो डरा कौन है, डरा कौन है? तो ये हालत शिवसेना ने खुद की कर ली। मराठी आप उसको क्या बोलते, बड़बोलापन, मराठी में उसको तोंड पाटील की बोलते। जी, मैं मार्मिक का संपादक था तो मैंने ये भाषा डिफेंड की है, मैं गलत नहीं मानता, लेकिन फर्क है कि बाला साहब जो बोलते हैं, अमिताभ बच्चन जो डायलॉग बोले है, वो हर बार हम रेफरेंस देते रहते हैं ना, उसका उदाहरण देते, लेकिन वो तो अमिताभ ने लिखे नहीं है, जावेद या सलीम जावेद ने, किसी ने लिखे है ना। अगर वही डायलॉग, वही शब्द सलीम जावेद बोले तो उसका परफॉर्मेंस में क्या फर्क पड़ता है? नहीं होगा, परिणाम नहीं होगा, प्रभाव नहीं होगा। तो ये बात ध्यान में रखना चाहिए कि भाषा बाला साहब को जो शोभा देती थी वो आपको नहीं देती, ये समझ लो, ये समझ लो। अब ये नहीं समझ रहे, जैसे सोनिया गांधी नहीं समझ रही है, वो बार बार बोलती है कि मैं इंदिरा जी की बहू हूं। तो इंदिरा जी की बहू होने से आप इंदिरा जी नहीं बनती ना, आपको इंदिरा बनना पड़ेगा। जो ताकत इंदिरा जी ने मेहनत से लगाकर कमाई थी उस पर उनके उनका रवैया था, आप सिर्फ वहां देख रही है, लेकिन उन्होंने की वो मेहनत आपने किए नहीं किए। बाला साहब ने जो मेहनत किए वो हमने देखी है, शिवसेना के पहले पहले मीटिंग कैसी होती थी, गली कुचे में होती थी,
150 लोग सामने बैठे और वाला साहब भाषण करते थे, वहां से उन्होंने संगठन बनवाया, वो आपने बनवाया, इतनी मेहनत की है। आज के जो शिवसेना के नेता है उन्होंने ऐसी कोई मेहनत की है? नहीं की, तो वो भाषा नहीं चली। 66 से लेकर अपने अंतिम दिन तक बाला साहब वही भाषा बोलते रहे, लेकिन उन्होंने वो भाषा जनता को स्वीकारने के लिए ये किया था, वो आपने नहीं किया है, वो भाषा आपकी नहीं है तो वो अच्छी नहीं लगती, ये फर्क है। ये समझ नहीं पा रहे तो उसकी कीमत उनको चुकानी पड़ेगी। मेरा मेरी बात इसमें, आप जो बोल रहे हैं इसमें और एक बात आपको बोल दूं कि शिवसेना जो बोलेगी वो बोलेगी, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। उस वक्त जब सरकार बनी थी तब मैंने लिखा है मेरा ब्लॉग, वो मैं वीडियो नहीं बनाता था लेकिन मैंने उस बार लिखा था एक साल पहले कि जब आप विदूषक को चाणक्य बनाते हो तो चित्रगुप्त को मरकट लीला करनी पड़ेगी। तो वो तो हो रहा है, वो तो हो रहा है। और भाव प्रताप सरनाईक के यहाँ, उनके मित्रों के यहाँ छापे पड़ते हैं ईडी के, तो संजय राउत ट्विटर पर एक कार्टून जारी करते हैं जिसमें आगे पीछे दो कुत्ते हैं, आगे वाला कुत्ता ईडी, पीछे वाला कुत्ता सीबीआई। पीछे वाला कह रहा है कि अभी रुक जाओ, अभी पता नहीं है कि किस घर की तरफ जाना है, यानी काफी दर्द हुआ है। प्रताप सरनाईक के यहाँ छापे पड़े हैं तो काफी पीड़ा है। वो छलकी भी है इंटरव्यू में उद्धव ठाकरे के भी और संजय राउत के इस कार्टून से भी, जिसको मैं भद्दा कार्टून कहता हूँ, कि आप ईडी को और सीबीआई को दो कुत्तों के रूप में अपने ट्विटर हैंडल पर डाल रहे हैं। लेकिन जब आप इसी तरह की कार्रवाई अर्णब गोस्वामी के खिलाफ करते हैं, जब कंगना रनौत के खिलाफ करते हैं, तो किसी को पीड़ा नहीं हुई होगी जो पीड़ा अब आपको हो रही है? ओ, हमारे मराठी में बोलते हैं कि चोराचा मनात चानण, जैसे आप हिंदी में बोलते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका। जी, तो हमने जो किया है क्या उसका रिपीट परफॉर्मेंस हो रहा है? इसका तो डर होता है। से हमने अर्णब के साथ बर्ताव किया है, क्या ईडी करेगी? ये तो डर होगा ना जी, ये तो डर होता है। मराठी में और बोलते मन चिंती थे वही न चिंती, हमारी मन में जो चिंता होती है वो हमारे दुश्मन भी सोच नहीं सकते, इतनी अपनी खुद की चिंता होती है तो होता है। तो इसीलिए मैं पहले से बोल रहा हूं आपके साथ, तो मेरा ख्याल है 2-3 महीने से मैं बोल रहा हूं, मैंने आपको बार बार बोला था। और मेरे वीडियो तो मेरा अप्रैल का वीडियो है, अर्णब नावाचा सापड़ा, अर्णब ये शिकंजा है, तो ये अब उसी शिकंजे में फंस गए। इन्होंने तो रास्ता बनाया, हाईवे बनाया, अब डर रहे कि हमने बनाया जो हाईवे उस पर क्या ईडी चलेगी? जी जी, समझे? आपने तो 8 दिन उसको अंदर रखा है, उससे एक रास्ता बन गया। और मैं बार बार बोल रहा हूं, मेरा एक वीडियो भी है, अणखी कितनी मूर्खपणा करना रहा आप और कितने पागल एक्शन करे हुए, तो इसका मतलब मैं शिवसेना को बचाना चाहता था, लेकिन सुनता कौन है? मैं हमेशा बोलता हूं पत्रकार जो होता है कि भाऊ तो शेखर पत्रकार है, तो मेरा मैं किसी के बारे में आस्था रखता हूं बात अलग है, लेकिन मेरे विश्लेषण में मैं हर एक को बचाना चाहता हूं कि भाई सामने से गाड़ी आ रही हट जा, या कोई बड़ा पहाड़ है उसमें से रास्ता निकलता है तो वहां इनका अपघात क्षेत्र ऐसा लिखा होता है, संभल के जाओ लिखा होता है, तो आप बोलेंगे तू कौन बताने वाला है? वो बोर्ड तोड़कर अपन निकल गए तो आप खाई में गिर जाओगे। तो पत्रकार करके मेरी भूमिका इतनी होती है कि कोई भी पार्टी हो, कोई भी नेता हो, अगर वो गलत कर रहा है तो भाई इसके परिणाम बुरे होंगे, वो कहना इसका मतलब उसको बचाना नहीं होता, वो बचाना नहीं होता। लेकिन आप बोलेंगे तू कौन बताने वाला है?
तो मैं क्या कर सकता हूं भैया। देखिए मैंने बार बार, मेरे मराठी वीडियो देखो आप, मैं आज भी यहां बताऊंगा आपके सामने कि मैंने इनकी सरकार को गलत रास्ते से जाने से रोकने के लिए इशारे दिए हैं। तो इसका मतलब मैं इनकी सरकार बचाना चाहता हूं ऐसे बिल्कुल नहीं। कोई भी हम रास्ते पर है, पहचान वाला आदमी नहीं होता है, वो गाड़ी के सामने आ जाता है जोर से, स्पीड से गाड़ी आ रही, तो हमको बचाना चाहते हैं और यही तो फर्ज होता है। लेकिन अगर वो बोलेगा तू कौन बताने वाला है तो क्या करे। मैंने बोला था ना आपको, मेरा ख्याल अगले कि निचोड़ने से मरी, वो बात अपने को आपको मैंने बताई, क्यों बिल्ली तो बिल्ली और मरी नहीं है, वो निचोड़ने से मरी है, तो क्या भाई मरने दो, और क्या कर सकते हैं। और भाव डे वन से इनको लगता रहा कि इनकी सरकार गिराई जाएगी, गिराई जाएगी, गिराई जाएगी, अभी भी लग रहा है। कोई 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 वीडियो बना रहा है तो उससे भी सरकार गिर जाएगी, कोई फेसबुक पे लिख रहा है उससे भी सरकार गिर जाएगी, कोई ट्विटर पे कमेंट कर रहा है उससे भी सरकार गिर जाएगी, ईडी अपना रास्ता देख रही है तो उससे भी सरकार गिरेगी, सीबीआई को सुशांत सिंह राजपूत की जांच सौंपी जाती है तो सरकार गिर जाएगी। ये डर, ये इतना इतना क्यों डरे हुए हैं? क्योंकि देखिए बार बार फडणवीस हो या बीजेपी के लोग हो बोलते कि हम आपको नहीं गिराएंगे, आप अपने आप गिर जाओगे। ठीक है, तो ये डरे इसलिए कि इनको बीजेपी या देवेंद्र जो बोल रहा है वो सच लग रहा है कि क्या हम अपने आप गिर जाएंगे। जी तो बात ऐसी है कि ये इनको आत्मविश्वास, एक साल तो हो गया ना, एक साल तो हो गया, किसी ने तो गिराया नहीं, कुछ कोई ट्राई भी नहीं किया है। आप बोलिए ट्राई किया है, कहीं दिखाई दिया है नहीं, क्योंकि उनको मालूम है बीजेपी जो शुरू में इन पर अरे ये करती थी। मैंने बीजेपी को मेरे वीडियो में बोला था, आप चुप बैठने की कोशिश क्यों नहीं करते, ये अपने आप झगड़े में गिर जाएंगे। 4-6 महीने के बाद बीजेपी ने इनको बोलना बंद किया कि भाई हाँ आप चला। कि इसमें बात यह होती है कि ये सरकार चला नहीं पा रहे हैं ना, इनको डर है कहां से गिरेंगे। जी जी, तो बैलेंस संभालना ही इस सरकार का काम बन गया। और ठीक है, अभी अपने आप पर खुश है, अपने आप पर खुश है, लोग अच्छा काम कर रहे हैं ऐसा उनको लगता है, तो बोलने तो उसमें गलत क्या है। देखिए आप अगर मुझे बोलेंगे या किसी देहाती अनाड़ी आदमी को बोलेंगे, उसको पेट पर चक्कू लगाएंगे, छुरी लगाए, बोलेंगे कि देखो ये हम कपास लगा रहे, रुई लगा रहे, तो थप्पड़ मारेगा, क्या बात कर रहे हो, मेरा तो खून निकल रहा है। लेकिन बुद्धिमान लोग होते हैं, उनकी बात अलग होती है, उनको डेफिनेशन से मतलब होता है, अनुभव से नहीं मतलब होता है। तो जो लोगों ने एक साल का परफॉर्मेंस देखा है, जो हालत से महाराष्ट्र के लोग गए वो तो उनको मालूम है सरकार अच्छी चली या ना चली, वो किसी ने बताने की जरूरत है नहीं ना, लोगों ने अनुभव किया है तो अच्छी चली है ऐसा लोगों को लगता है, तो लोग वोट जरूर करेंगे। लोग देखिए महागठबंधन बना, इतनी जोर जोर से चर्चा चली थी कि कैसे एनडीए भी बहुमत नहीं पाएगी, लेकिन बीजेपी ने बहुमत, अकेले बहुमत लेकर 302 पर छलांग लगाई। बिल्कुल, तो लोग क्या प्रचार से वोटिंग करते, बिल्कुल नहीं करते, लोग अपने अपने अनुभव से वोट करते कि भाई मेरे घर तो गैस पहुंचा है, मेरे घर तो शौचालय आया है, मेरे गांव तक रास्ता आया है, और देखने से लोगों ने किसी एनालिस्ट की या कोई सेफोलॉजिस्ट की बात तो सुनी नहीं, लोगों ने अपना अनुभव था उससे वोट दिया। देखिए वही लोग थे जिन्होंने 4 महीने पहले राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में बीजेपी को हराया था, तो वहां के चीफ मिनिस्टर को हराया था, बीजेपी को नहीं हराया था, बीजेपी को नहीं हराया था, किसको हराया था, बीजेपी के चीफ मिनिस्टर को हराया था।
लेकिन वही बीजेपी के प्राइम मिनिस्टर को जिताया था। अब आप सोचिए कि जब कभी महाराष्ट्र में चुनाव होने वाले तो लोग मोदी को वोट नहीं देने वाले। यहां की जो बीएमसी है, महाराष्ट्र की सरकार है, तीन पार्टियों की सरकार है, ये तीन पार्टियों के परफॉर्मेंस पर वोटिंग होगी। अगर इनको अच्छा लग रहा है कि हमने बढ़िया काम किया और लोग खुश है, ठीक है भाई, लोग आपको जिताएंगे, बीजेपी को बिल्कुल हराएंगे। तो आपको मोदी को डंका बजाकर ये झूठ बोल रहे हैं गठबंधन, ये बोलने की जरूरत थी नहीं। शेखर गुप्ता जैसे सीनियर एडिटर ने मान लिया रिजल्ट के बाद कि दिखाई दे रहा था, हम देखना नहीं चाहते थे, हम मानना नहीं चाहते थे, हम बताना नहीं थे चाहते थे सच, तो चुनाव का रिजल्ट तो नहीं बदला ना चुनाव का। तो ये बोले अच्छा इंटरव्यू और 10 इंटरव्यू तो कोई बात नहीं। हाँ, लेकिन लोगों का मेरा अनुभव अलग है, जो आप बता रहे हैं महाराष्ट्र की सरकार बता रही है उससे मेरा अनुभव अलग है। मेरे जैसे लाखों करोड़ों वोटर्स है, उनका अनुभव जो अगर अलग रहेगा तो आप कितना भी डंका बजाए, अर्णब की बात कितनी ही छुपा कर रखे, लेकिन जिनका अनुभव है उस पर तो मत बनेगा और वोटिंग होगी। बिल्कुल सही है। तो डर रहे हैं, उसके लिए डर रहे, आप गिराओ मत। अरे कौन गिरा रहे, कोई गिरा नहीं रहा है, आप गिराओ मत, आप हिम्मत भी मत करो, आप सोचो भी नहीं। अरे किसने सोचा है, आप ये बात सोच रहे हैं कि ये गिराएंगे, क्योंकि बीजेपी को मालूम है। और एक बात बताओ, मैं जो मानता हूं राजनीति, मैं जितना समझता हूं, इसमें एक बात आप समझ लो कि महाराष्ट्र में तोड़ फोड़ कर कोई सरकार बनेगी नहीं। जी जी, ये सरकार अगर गिरेगी तो मिड टर्म पोल होगा, मध्यावधि इलेक्शन होगा, चुनाव होगा, और जब ऐसा चुनाव आता है तब जो एमएलए है उनको सरकार बनाने की चिंता नहीं रहती, किसी भी पार्टी को, जो एमएलए होते हैं उनको फिर चुनकर आने की जरूरत होती है, उनका ध्यान उधर रहता है। आप बंगाल की तरफ देखो तो आपको पता चलेगा मैं क्या बता रहा हूं। सही बात है भाव, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप जुड़े और आपने उद्धव ठाकरे सरकार के एक साल पूरा होने पर उनके परफॉर्मेंस के बारे में भी और जो परिस्थितियां हैं इस समय पॉलिटिकली और दूसरे एस्पेक्ट्स पर उन पर बड़ा विस्तार से रोशनी डाली। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका भी धन्यवाद। नमस्कार।